नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं बात करने जा रहा हूं 1 जनवरी 2021 की 9 बड़ी भर्तियों के बारे में। इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है, तो इन सभी भर्तियों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करना और कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना। इंटरव्यू के बेसिस पे या मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आज की सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखे हैं। अब लिंक वहाँ से ओपन कर लीजिएगा और आइए बात कर लेते हैं इन सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की पहली भर्ती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की और इसमें पोस्ट का नाम है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है दोस्तों, 45 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 26,000 से लेकर 56,600। इस भर्ती में दोस्तों 250 रुपये से लेकर 500 रुपये फीस है। 30 दिसंबर 2020 से इस भर्ती के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया दोस्तों और इसकी लास्ट डेट है 19 जनवरी 2021। एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन बड़ौदरा यानी कि गुजरात है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://www.gsecl.in। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 2 है पब्लिक सर्विस कमीशन की और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल प्लांट मैनेजर तथा फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा या डिग्री। इसमें 18 साल से 38 साल तथा 21 साल से 38 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 195 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 14,000 रुपये से लेकर 1,10,000। इस भर्ती में 285 रुपये फीस है। 29 दिसंबर 2020 से इस भर्ती के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया दोस्तों और इसकी लास्ट डेट है 29 जनवरी 2021। इसमें दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा तथा इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन आसाम है। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://www.apsc.nic.in। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 3 है इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की और इसमें दोस्तों टेक्नीशियन तथा ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती होने जा रही है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिप्लोमा या डिग्री। इसमें 18 साल से 28 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 26 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी एज स्टाइपेंड दोस्तों। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 18 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन मेघालय है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://neepco.co.in। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 4 है पुलिस डिपार्टमेंट की। इसमें कांस्टेबल मेल तथा फीमेल की भर्ती होने जा रही है दोस्तों और इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास। इसमें 18 साल से 25 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। टोटल 7,298 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 21,700 से लेके 69,100। इस भर्ती में 100 रुपये फीस है दोस्तों। 11 जनवरी 2021 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 फरवरी 2021 की इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा तथा मेडिकल टेस्ट होगा। और दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन हरियाणा है। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://hssc.gov.in। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 5 है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की और इसमें पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तथा कंसल्टेंट टेक्निकल। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस या MCA की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। इसमें 21 साल से 45 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 42 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 61,000 रुपये से लेके 68,000 तक सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में 100 रुपये फीस है। 29 दिसंबर 2020 से दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया और 18 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://pfcindia.com। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 6 है पब्लिक सर्विस कमीशन की और इसमें पोस्ट के नाम है
असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत सहायक तथा बॉयलर इंस्पेक्टर की। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री। इसमें 21 साल से 40 साल तक एज लिमिट है दोस्तों, 36 इसमें वैकेंसी है। ज़्यादा सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 15,600 से लेकर 39,100 प्लस ग्रेड पे 5400। इस भर्ती में 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये फीस है। 15 जनवरी 2021 से दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 14 फरवरी 2021। एग्जामिनेशन होगा इसमें तथा इंटरव्यू होगा। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन मध्य प्रदेश है। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://www.mppsc.nic.in। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 7 है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की, और इसमें पोस्ट के नाम है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर फिनेंस, मैनेजर फिनेंस तथा डिप्टी मैनेजर लीगल एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री CA या ICWA। इसमें 30 साल, 33 साल, 37 साल, 41 साल और 45 साल तक एज लिमिट है दोस्तों, 45 इसमें वैकेंसी है। ज़्यादा सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 40,000 रुपये से लेकर 2,00,000 तक। इस भर्ती में 1,000 रुपये फीस है दोस्तों। 29 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा दोस्तों, या दोनों होंगे। और इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://www.ircon.org। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 8 है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की, यानी कि नालको की, और इसमें पोस्ट का नाम है ऑपरेटर बॉयलर। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास तथा ITI। इसमें 35 साल, 38 साल तथा 41 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 29,500 से लेकर 90,000 रुपये दोस्तों। इस भर्ती में 100 रुपये फीस है। 1 जनवरी 2021 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2021। इसमें रिटर्न टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन उड़ीसा है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://nalcoindia.com। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 9 है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की, और इसमें पोस्ट के नाम है चौकीदार, ऑर्डरली, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, टेबल बॉय, कंप्यूटर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, असिस्टेंट PTI, स्टेनोग्राफर, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास या 12वीं पास या बैचलर डिग्री या डिप्लोमा। इसमें 40 साल तक एज लिमिट है दोस्तों, 232 इसमें वैकेंसी है। आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5 तथा लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में 350 रुपये फीस है दोस्तों। 10 जनवरी 2021 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। इसमें एग्जाम होगा तथा स्किल टेस्ट होगा। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://jksb.nic.in। तो दोस्तों ये तो सौ डिटेल आज की 9 बड़ी भर्तियों का, और इनके हिसाब इन भर्तियों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।